अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? होपफुली सब ठीक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने में कोशां भी होंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं बना रही थी एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक। ये काम मेरा रमज़ान से पहले के करना है क्या था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया, तो फिर भी मैंने सोचा चलो इट्स नेवर टू लेट, तो अभी कर लेती हूँ। मैंने बादाम भगो के रखे हुए थे तकरीबन 4 घंटों के लिए, तो उनको मैंने पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद इनको मैंने ब्लेंडर के जग में डाल लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। और थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें इलायची के दाने भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ड्रिंक जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और यू नो के इफ्तार के टाइम हमें काफ़ी ताकत की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की चीज़ एक तो हेल्दी भी है और रिफ़्रेशिंग भी है, तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा रह जाता है अगर एक ही बार बना के रख लिया जाए। तो रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे काफ़ी भागम दौड़ होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, तो अगर पहले से ये बना के रखा हुआ हो तो बहुत फ़ायदा रहता है। यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रूट चाट, तो उसके लिए मैंने बनाना और एप्पल कट करके बॉल में डाल दिए हैं, और ग्रेप्स हैं दो तरह के, ग्रीन वाले भी और ब्लैक वाले भी, तो उनको भी छोटे छोटे पीसीज में कट करके मैं ऐड कर दूंगी। ये ग्रेप्स देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जामुन होते हैं, इवन कि उनका कलर भी ऐसे पर्पल सा आ रहा था, कोई भी देखने वाला कह नहीं सकता कि ग्रेप्स हैं या जामुन हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक और चाट मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। फ्रूट चाट काफ़ी तरह से बनती है, तो क्रीम चाट भी बना लेते हैं लोग, जूस भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास भी ऑरेंजेस पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो इसी को यूटिलाइज़ करती हूँ और इस तरह से बना लेती हूँ। जूसी जूसी सी चाट जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पे मैं बना रही थी रूहान के लिए खिचड़ी, तो हमारा तो रोज़ा होता है लेकिन उसे तो कुछ ना कुछ देना ही होता है, तो मैंने चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी इसके लिए, और एंड में मैं उसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। जस्ट नमक और ज़ीरा डाल के मैंने बनाई है ये खिचड़ी। मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं आलू ताकि मैं थोड़े से दही भल्ले बना लूँ। यहाँ पे मैंने आलू को कट कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पालक को कट करके, और प्याज डाल दिया है थोड़ा मोटा मोटा कट करके, और साथ में इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया। अब इसमें मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा ऐड करूँगी बेसन, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े पसंद नहीं किए जाते, ज़्यादा सब्जियाँ हो और थोड़ा सा बेसन हो तो वो वाले पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया उसमें अनारदाना। नेक्स्ट अब इसमें जाएगा अजवाइन चुटकी भर, और ये मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए और नमक डाल दिया इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, और ये मैंने डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी मैं ज़ीरा पाउडर। पकौड़े तो हर घर में ही बनते हैं और सबका बनाने का स्टाइल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही होता है। ये मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाली। उसको जस्ट मैंने मिक्सअप किया है और उसको 1-1.5 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि सब्जियों में से पानी रिलीज़ हो जाए, तो वही इनफ होगा। फिर दही को मैंने फेंट लिया है, एक बाउल में मैं इसको ऐड कर दूंगी। मैं बना रही थी दही बल्ले, दही बल्ले तो नहीं फुल्की, दही फुल्की थी क्योंकि मैंने राइस बनाए थे, तो मैंने कहा चलो उसके साथ थोड़ा सा ये भी एक हो जाएगा। उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े से चने फ्रोज़न वाले हैं, आलू जो मैंने बॉयल करने के लिए रखा था उसके क्यूब्स मैंने कट करके डाल दिए हैं, थोड़े से स्प्रिंग अनियन मैंने ऐड कर दिए उसमें, और ये फुल्की मैंने भिगो के थोड़ी सी हल्के हाथ से निचोड़ ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं जो कि फ्राई ना हो लेकिन ऐसे लाइट सी हों और खाने में भी टेस्टी हों। ये समोसे रोल पकोड़े वगैरह मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं हैं इफ्तारी में, तो मेरी कोशिश होती है कि चाट और दही फुल्की और दही बल्ले इस तरह की चीज़ें ज़रूर हों इफ्तारी में, ताकि
इजी हो जाता है, बंदा इजी होके खा लेता है कि चलो एक हेल्दी चीज़ है जो हम ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल दिया मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया इसमें और इसको मैं मिक्सअप कर लूँगी। ये जो एंड पे मैंने डाला है वो काला नमक था थोड़ा सा जो ऐड किया है, तो इसको मिक्सअप कर लूँगी। सबकी रमज़ान रूटीन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ही होती है। थोड़े से मैं निकाल के रख रही हूँ रूहान के लिए, और बाद में मैं इसमें ग्रीन चटनी वगैरह ऐड करूँगी, क्योंकि अभी उसे मैं ग्रीन चिलीज़ नहीं दे रही। एक दो बार मैंने दी हैं तो उसका स्टमक उससे डिस्टर्ब हो जाता है। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं थोड़े से, और एक मैंने क्यूब्स निकाल के रखा हुआ था सबस चटनी का, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें, दही फुल्की के साथ इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं मिक्सअप करके रख दूंगी। जोहर की नमाज़ के बाद मैं स्टार्ट कर देती होती हूँ अपनी इफ्तारी बनानी, क्योंकि ऐसे थोड़े थोड़े से काम करते करते ही एंड टाइम तक पूरे होते हैं। बीच में असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। यहाँ पे मैं बना रही थी ड्रिंक, जामे श्री मैंने डाल दिया है दूध में। छोटे बच्चों की माएँ जो होती हैं वो थोड़ा उनके दिल में ये भी आ रहा होता है कि हम ज़्यादा इबादत नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से भी उनके थोड़े दिल में कुछ 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 हो रहा होता है कि वो किस तरह से ज़्यादा रमज़ान में अजर व सवाब हासिल करें। तो अगर हम ये चीज़ सोच कर करें कि चलो किसी को भूखे को खाना खिलाना भी सवाब है, सफाई का काम अगर हम जो कर रहे हैं वो भी एक सवाब की नीयत से करें, तो उस पर भी अलग अलग हमें अजर व सवाब देता है। मैंने एक लिया था यहाँ पे पोर्ट, क्रिस्टल का बना हुआ है, मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी मेरे लिए एज ए गिफ्ट, तो इसमें मैंने ऐसे खजूरें डाल के रख दी फ्रिज में। इसमें रखनी भी इजी है, और अगर डाइनिंग टेबल पे भी पड़ी रहेंगी तो फ़ायदा रहेगा, ढक के भी रखी होंगी और सही रहेगा, इजी टू यूज़ हो जाएगा। तो जस्ट एक बात माइंड में रखनी चाहिए कि हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, जस्ट ये है कि वक्त ज़ाया ना करें। अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। अगर आपका ज़ुबान ऐसे खुश्क होगी या गला खुश्क हो रहा है रोज़े की वजह से, तो आप उस पे मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, जैसे अजकार हो गए, मॉर्निंग के अजकार हो गए, शाम के अजकार हो गए, वो सुन लें। ऐसे मिल जाते हैं, जिक्र वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो लगा लें। चलो साथ साथ अगर हमारी ज़ुबान से अदायगी नहीं भी हो रही तो हमारे कान तो सुन रहे होते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी मैटर करती हैं, आप उस पर भी अजर व सवाब ले सकते हैं। दूसरा ये है कि मिलजुल कर अगर हम इफ्तारी बनाएं तो काफ़ी इजी रहता है ना, तो लेडीज़ ज़्यादा थकती हैं और सबकी फरमाइशें भी पूरी हो जाती हैं। मैंने पकोड़े जो थे वो निकाल लिए हैं, समोसे भी मैंने थोड़े से बना के रख लिए थे। ये मैंने एक आलू कट करके रखा था रूहान के लिए, तो चलो वो भी कुछ ना कुछ खा लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तार टेबल जो थी वो रेडी थी। दही फुल्की के ऊपर मैंने हल्की सी इमली की चटनी ऐड कर दी थी, उससे वो तो काफ़ी टेम्पटिंग भी लग रही थी देखने में। आई होप आपको आज का सिंपल सा ये व्लॉग और मेन्यू पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में वो याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।